माँ की गाली देकर कहा जा रहा था कि वो दौड़ा के जूते मारो दे। विपक्ष का क्या है, गाली तुमने दिया, माफी तुमने मंगवाया पार्टी में। नमस्कार, मैं हूँ जाहिद इमाम और आप देख रहे हैं पंजाब के सीटीवी। घोसी लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी अरविंद राजभर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो हाथ जोड़ के कार्यकर्ताओं के सामने माफी मांग रहे हैं। ऐसे में जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया है। हमारे साथ मौजूद है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजू राय जी, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे इस वीडियो पर और जो आरोप लग रहा है वो विपक्ष पर लग रहा है, क्या कहेंगे आप? कर माफ करो, आरोप विपक्ष में लगाओ। इंटरटेनमेंट चैनल का शीर्षक था, सबसे बड़ा नोटों की बात कौन माफी मंगवा रहे हैं? अगर पैरों पर झुक के माफी मांग रहे हैं तो मैं ये कहूंगा, हुजूर आते आते बहुत देर करते हैं। और जो महापुरुष माननीय पाठक साहब माफी मंगवा रहे हैं, ये वही पाठक साहब हैं जब आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनकी पार्टी का अंतर्धान मांग रहे हैं। लेकिन जब ये कहा गया कि माँ की गाली देकर, आपके पास वो वीडियो होगा, तो ये विपक्ष का आरोप नहीं है, ये वीडियो हम लोग को मीडिया से मिला। माँ की गाली देकर कहा जा रहा था कि वो दौड़ा के जूते मारो, देखो तभी खुश हो रहे थे। योगी जी, मोदी जी, शाह साहब के बारे में क्या कहा गया सब जानते हैं, और इतने खुश हो गए सारे समाज को गाली दिलवा कर, उनको पकड़ कर न सिर्फ भाजपा में लाए बगैर मंत्री बना के भी दम लिए। और अब यहाँ चुनाव आ गया है, नौटंकी करवा रहे हैं। अब नौटंकी करवाने के चक्कर में उन्होंने राजभरों का भी अपमान करा है। हमारे पास सारे राजभर, क्योंकि राजभर बच्चों का तो सबसे ज़्यादा मैंने मदद किया है, करता रहा हूँ। वो आए थे कि कर्म इनके ऐसे माफ़ी मांगना पड़ा और इस तरह पैरों में गिरा कर राजभर समाज का भी अपमान किया। ये इनके कल वाला जो एपिसोड था, ब्रजेश पाठक के सामंतवादी सोच को, और जो पहले वाले एपिसोड की चर्चा की जाए तालियां बजा रहे थे, इनके स्वार्थी सोच को, स्वार्थी और सामंतवादी सोच वालों को घोसी जनता नकार। अरविंद कह रहे हैं कि हम तो आशीर्वाद ले रहे थे, तो हम ऐसे ही आशीर्वाद लेते रहेंगे, विपक्ष जो आरोप लगाने लगाया जैसे जो बोलना है। आपके पिताजी भी मन से जब माँ बांध के गालियाँ दे रहे थे वो भी आशीर्वाद ही था, आप भी जो चुनौतियाँ दे रहे थे वो भी आशीर्वाद ही था। आप अपने अहंकार में सत्ता के लिए सबको बेवकूफ़ समझते हैं, जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, बाप बेटे को समझ देना चाहिए। बाप बेटों का खेल तमाशा तो दुकान अब बंद होने वाला है। आप 17 में 22-25 दिसंबर चुनाव लड़े थे ना, वहाँ की जनता से फिर वापस जाकर आशीर्वाद लिए कभी? 22 में बनारस से लड़े थे, बनारस में हारने के बाद कभी जाकर आशीर्वाद लिए? फिर 24 में घोसी आ गए, 27 में बिहार चले जाएंगे। तो पूरा आरोप जो लगा रहे विपक्ष पे, विपक्ष का क्या है, गाली तुमने दिया, माफी तुमने मंगवाया पार्टी में, वो कह रहे वायरल ये विपक्ष कर रहा है वीडियो। अरे विपक्ष को पास और कोई काम नहीं है क्या? इंटरटेनमेंट चैनल तुम लोग चलाते हो, चलाओगे तो लोग देखेंगे, ताली बजाएंगे। हमारे पास हम तो चुनाव प्रचार में रात 12 बजे में आया, तो आप तो गवाह थे। हमारे पास कहाँ है इतना फालतू का टाइम है कि कभी गाली दे, कभी पैर पड़े, कभी नौटंकी करे और नौटंकी बाज का एपिसोड देखें। हमारे पास इतना टाइम नहीं, हम तो जनता के बीच में रहते हैं, जनता की सेवा से खुश होते हैं। तो राजभरों का अपमान है, आपके सामने सारे राजभर लोग आए थे। अपमान इसलिए है क्योंकि कर्म ऐसा रहा है कि आज उनको सबके सामने कर दूंगा, माफी मांगना पड़ रहा। आप उनको सम्मान तो देते नहीं है, आप उनकी मुसीबत में खड़े नहीं होते हैं और अपने कुर्सी के लिए अपमान करते हैं। तो राजभरों का अपमान हुआ है तो ऐसा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजू राय जी का कहना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं वो गलत है और वीडियो हम थोड़े वायरल कर रहे हैं, बल्कि वीडियो उनके द्वारा ही वायरल किया गया है। फिलहाल राजभरों का अपमान है। मैं उसे जाहिर हूँ पंजाब के सिटी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।